तो सरकार वर्सेस किसान, ये लड़ाई जो कि लगातार जारी है, इसका नतीजा नहीं निकल रहा है। कई राउंड की बातचीत हो चुकी है लेकिन कोई हल नहीं। अब अगली जो बातचीत होगी किसान और सरकार के बीच में, वो 9 दिसंबर को होगी। सरकार कह रही है कि एमएसपी की गारंटी है, जबकि किसान अब भी यही कह रहे हैं कि अपने तीनों जो कानून है उनको रद्द कीजिए, वापस लीजिए। आइए अब News24 संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं, जो लगातार डे वन से ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप उनको देख भी रहे हैं। राहुल प्रकाश आपको नजर आ रहे हैं, उनके पास आपको लिए चलेंगे। और राहुल प्रकाश सिंघू बॉर्डर पर लगातार अपनी कमान संभाले हुए हैं, और दूसरी तरफ आप नजर डालेंगे तो मनीष कुमार News24 संवाददाता मौजूद हैं, और मनीष कुमार ने कमान संभाली हुई है टिकरी बॉर्डर पर। एक एक करके दोनों के पास आपको लिए चलते हैं अपडेट के लिए। राहुल प्रकाश, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं, जरा बताइए कि वहां पर सिंघू बॉर्डर पर क्या तस्वीर अब नजर आ रही है। देखिए, अभी जिस तरीके की शुरुआत सुबह की होती है वही चल रहा है। अरदास के बाद जो मंच से संचालन होता है वो शुरू हो जाता है। एक तरफ खाना बंटना शुरू हो जाता है, चाय शुरू हो जाती है, जो किसान है वो इकट्ठे शुरू होने लग जाते हैं। यहाँ जो तस्वीर है ये पहला मंच है, इसके आगे एक और मंच है जहाँ पे पुलिस बैरिकेडिंग है, उसके आगे तमाम वो नेता जुटने लग जाते हैं। वहाँ पे हजारों की संख्या में किसान बैठे हैं, वहाँ पे भी मंच का संचालन होता है। यानी वही चीज़ है कि जिस बात को वो कह रहे हैं लगातार वो मुकर नहीं रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बिल रद्द होना चाहिए, कोई समाधान नहीं चाहिए उन्हें। उन्हें समाधान सिर्फ इसी चीज़ का चाहिए कि बिल रद्द हो। और जो आप आवाज़ें ठीक मेरे पीछे सुन रहे हैं वो उन किसानों की है जो डे वन से, यानी आज 11वां दिन है, और 11 दिन से लगातार वो इस संघर्ष में है, इस लड़ाई में शामिल है। यानी उनका कहना है कि सिर्फ बिल के मसले पे अगर जो बात हो रही है, कि जो सुझाव की भी बात हो रही थी, सुझाव नहीं चाहिए उन्हें, सिर्फ एक ही समाधान चाहिए, बिल रद्द होना चाहिए। आप लोग लंबे समय से एक संघर्ष कर रहे हैं, क्या लगता है कि सहमति बन पाएगी, बिल रद्द होगा, या क्या आप लोगों का प्यार भाई सत श्री अकाल, ये बिल रद्द होगा जी? ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੀ ਹੋਣੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਮਾਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦੀ ਕਰ ਲਗਤਾ ਹੈ 9 ਤਾਰੀਖ ਕੋ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। सर वैसे जिस तरीके से मोदी सरकार बिहेव कर रही है किसानों के साथ, उस हिसाब से तो लगता नहीं कि वो किसानों के प्रति संजीदा है किसी भी तरह से, क्योंकि अब तक किसान उनकी एक भी बात से संतुष्ट नहीं हुए, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो कुछ भी करेंगे किसानों के हक में। मीठी गोलियां दे रहे हैं, होना कुछ नहीं है, जिस मीठी गोलियां दे रहे हैं, क्योंकि अगर इन्होंने बिल में संशोधन की बात कर रहे हैं, जब हम लोग 2 महीने से ट्रेनों में बैठे हुए थे तब ये कहाँ थे, आज हम आए, हमें क्यों जरूरत पड़ी दिल्ली आकर इनसे बात करने की? ये आते, हमारे फार्मर वहाँ से आए हैं, हमारे प्रधान यहाँ पे आए हैं, बस मीठी गोलियां दे के ये इसको यह है ये ऐसे, हमें क्या बता रहे हैं? हमें पता है हमारी खेती करनी है, हमने करनी है, हमें सब पता है हमारा नुकसान क्या है, फायदा क्या है। अब जो स्वामीनाथन है, जो पास करना चाहिए था, उसके जो पास करना चाहिए स्वामीनाथन का, एक बार भी क्यों? अगर ये जो काले कानून लागू हो सकते हैं तो क्या स्वामीनाथन नहीं हो सकता था? उसके बारे में कोई विचार नहीं की। और ये एमएसपी की बात कर रहे हैं, तो एमएसपी सिर्फ सरकार ही क्यों दे रही है, प्राइवेट कंपनियां क्यों नहीं दे रही? उनके लिए एक छोटा सा है बस, ये एक ऑर्डिनेंस में लिखने को बोल रहे थे, हम लोग नहीं लिखे, है ना। और मंडियों की बात कर रहे हैं, मंडियां तो आज हम आढ़ती के ऊपर डिपेंड है। कोई सरकार है जो हमें आके हमारे घर में, मेरे घर में मेरे माँ बीमार है, मेरा भाई बीमार है, किससे गरज करेंगे? अपने आढ़ती से करेंगे ना। क्या हम अडानी के पास जाएंगे, क्या अंबानी के पास जाएंगे? कोई नहीं है। ये जो मोदी है ना, सिर्फ ये जैसे जुमले बोलता है ना, ये जुमलों वाली सरकार है, और ये जुमले लोगों की आवाज ही है जो किसानों की आवाज है। किसानों को कानून रद्द हो, इससे ज्यादा कुछ मंजूर नहीं है।